हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले इस प्यारे से स्मार्टफोन ओप्पो F21 प्रो का, जो ओप्पो की तरफ से न्यू लुक में देखने को मिलता है, जो बेस्ट स्पेक्स के साथ लॉन्च हुआ। इसमें आपको ट्रिपल AI कैमरा सेटअप मिलने वाला है। इसमें 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है एंड साथ में माइक्रोस्कोप का कैमरा दिया गया है। तो अभी तक स्मार्टफोन में आते थे माइक्रो कैमरा, जिनसे आप छोटी छोटी चीजों को क्लियरली बड़ा करके देख सकते थे, बट अभी इस स्मार्टफोन में कुछ अलग ही ट्राई किया गया। इसके कैमरे फ्यूचर में माइक्रोस्कोप कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया। इसकी क्वालिटी काफी कमाल की है, जिसकी इमेज आपको बाद में दिखाता हूँ। इसमें 98 का इन डिस्प्ले रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड 4500 mAh की बिग बैटरी दी गई है। 8GB रैम है और स्नैपड्रैगन 686 नैनोमीटर का प्रोसेसर चिपसेट देखने को मिल जाता है। बाकी जानकारी आपको आगे वीडियो में पूरे डिटेल के साथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यू स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर इसके बॉक्स के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है एंड इस स्मार्टफोन में हमें कैसा स्पेक्स मिलता है। तो स्काई ब्लू कलर में हमें इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसके नीचे साइड में ओप्पो F21 प्रो मेंशन किया गया है। बॉक्स के बैक साइड में देखें तो कुछ हाईलाइट की स्पेक्स मेंशन देखने को मिलता है, जिसकी बात हम आगे फुल डिटेल के साथ करने वाले हैं। इसको रिमूव करने के बाद एक ब्लैक कलर का बॉक्स इसके अंदर मिल जाता है और बॉक्स के ऊपर ओप्पो का ब्रांड मेंशन देखने को मिल जाता है। बॉक्स को खोलते हैं तो छोटा सा एक और बॉक्स हमें मिल जाता है, जिसमें हमें सेक्सी इजेक्टर टूल और इसके साथ में कुछ मैनुअल सेफ्टी गाइड और साथ में एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्शन केस, जो काफी मुलायम और काफी अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। ओके, इसको साइड में करते हैं, बाकी का बॉक्स देखें तो इसके बाद हमें हमारा स्मार्टफोन ओप्पो F21 प्रो देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी कुछ हाईलाइट की स्पेक्स मेंशन देखने को मिलता है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। इस कवर को रिमूव करने के बाद मिलता है एक टाइप टू टाइप ए वाला डाटा केबल और इसके साथ में एक 33 वाट का सुपर वुक फास्ट पावर अडाप्टर मिल जाता है, जिसकी चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट मिल जाती है। तो फिलहाल अब तो बॉक्स तो खाली हो चुका है, तो अब बात कर लेते हैं इस प्यारे से फ्लैगशिप स्मार्टफोन ओप्पो F21 प्रो, जो हमें 2 वेरिएंट कलर में देखने को मिल जाता है। एक तो ये सनसेट ऑरेंज और एक मिलता है कॉस्मिक ब्लैक कलर में। दोनों स्मार्टफोन का कलर काफी जबरदस्त देखने को मिलता है, बाकी चीजें दोनों में सेम देखने को मिल जाता है। इसके डिजाइन की बात करें तो बैक साइड में ओप्पो का ब्रांडिंग एंड कलर तो आप देख ही सकते हैं, ऑरेंज कलर काफी प्यारा सा कलर देखने को मिल जाता है। इसके बॉटम साइड में देखे तो एक 3.5 mm का ईयरफोन जैक, एक प्राइमरी माइक्रोफोन, एक टाइप सी का चार्जिंग जैक मिल जाता है एंड लास्ट में लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है। इसके राइट साइड में देखें तो एक सिम कार्ड का ट्रे देखने को मिलता है एंड वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है। ऊपर की साइड में देखें तो इस तरफ सिर्फ एक नॉइज कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। बाकी इसके बॉडी डिमेंशन की बात करें, इसमें 6.3 इंच का इसका हाइट, 2.88 इंच का इसका वेट मिल जाता है एंड साथ में थिकनेस मिल जाता है करीब 0.3 इंच का। और वेट देखें तो इसका वेट मिल जाता है करीब 175 ग्राम का। थिकनेस के मामले में तो काफी ज्यादा स्लिम बॉडी मिल जाता है, आदमी काफी अच्छे से फिट हो जाता है, तो इन हैंड फीलिंग काफी बेटर मिल जाती है इसकी, क्योंकि स्मार्टफोन का ज्यादा वेट भी नहीं है तो ये स्मार्टफोन ज्यादा भारी भी नहीं लगता। इसके बैक साइड की बात करें तो ऑरेंज कलर तो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और बैक इसका काफी ज्यादा शाइनिंग कलर में मिलता है और कोई भी टेक्सचर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इसके डिस्प्ले टाइप एंड साइज की बात करें तो 6.43 इंच का एक डिस्प्ले साइज के साथ एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल विद 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाता है, जिसमें रेजुलेशन मिल जाता है 1080x2400 पिक्सल का और साथ में 809 पी का ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है। एंड इसके अलावा डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 को यूज किया गया है और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को भी यूज किया गया है, तो डिस्प्ले का क्वालिटी आपको इसमें बेशक काफी बेटर मिलने वाला है, इसमें आप क्लियरली 4K वीडियोस का मजा ले सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस प्रोसेसर चिपसेट की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 कलर OS 12.1 पर बेस्ड मिल जाता है। प्रोसेसर चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685G फैब्रिकेशन 6 नैनोमीटर के साथ देखने को मिल जाता है। इसमें ऑक्टा कोर CPU को यूज किया गया, जिसमें प्राइमरी 4 कोर का क्लॉक स्पीड 2.4 GHz का मिल जाता है और सेकेंडरी 4 कोर का क्लॉक स्पीड 1.9 GHz का मिल जाता है। और GPU की बात करें तो इसमें GPU Adreno 610 देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले एंड प्रोसेसर का क्वालिटी इसमें आपको काफी अच्छा मिल जाता है, जिसमें आप कोई भी हैवी मल्टीटास्किंग इजिली कर सकते हैं और पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को स्मूथली प्ले कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हीट का इश्यूज होता है, बट ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे
कैमरे की, जिसमें ट्रिपल AI रियर कैमरा के सेटअप देखने को मिल जाता है एंड साथ में एक LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। इसमें कैमरे का सेटअप आप देख सकते हैं काफी बढ़िया देखने को मिलता है एंड इस वाले कैमरे के अराउंड नोटिफिकेशन ऑर्बिट लाइट मिल जाते हैं जो माइक्रोस्कोप के लिए भी काम करेगी। बाकी आप इसका लुक देख सकते हैं, काफी कूल स्टाइलिश लुक देता है। इसमें 64 मेगापिक्सल का हमारा मेन कैमरा मिल जाता है जिसकी इमेज आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शार्प एंड क्लियर फोटो आप इस स्मार्टफोन से क्लिक कर सकते हैं। सेकंड मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा एंड थर्ड मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप। इस वाले कैमरे से आप काफी ज्यादा क्लोज रेंज की इमेज को शूट कर सकते हैं। इमेज की क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर मिल जाती है। इससे छोटी से छोटी चीजों को भी आप क्लियरली बड़ा करके देख सकते हैं। फ्रंट साइड कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर इसके फ्रंट में देखने को मिलता है जिसपे आप 1080p पर रिकॉर्डिंग में 30fps विद जायरो EIS के सपोर्ट के साथ स्मूथली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर बात करें इसके बैटरी की तो इसमें 4500mAh की बिग बैटरी मिल जाती है और इसको चार्ज करने के लिए 33W का सुपर वॉक फास्ट पावर अडाप्टर मिल जाता है जिससे ये स्मार्टफोन 60 मिनट में 0 to 100% तक इजिली चार्ज हो जाता है। इसके अदर फीचर की बात करें तो ये स्मार्टफोन IPX4 वाटर रेजिस्टेंट के साथ देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन 23,000 के अंडर मिल जाता है जो लो प्राइस का फोन है और लो बजट के साथ ये बहुत ही मस्त स्पेक्स के साथ देखने को मिलता है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।